मैं मचेल दरबार में हूँ और ये महामाई का दरबार है। यहाँ पर बैठी हुई माँ चंडी रूप में है और चंडी मैया के दरबार में जो भी माथा टेकता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे साथ यहीं के पाडर के रहने वाले दलजीत सिंह राठौर हैं, सोशल वर्कर भी हैं और इस महामाई की कृपा से इनके ऊपर बहुत बड़ी एक कृपा है माता रानी की और ये यहाँ का देख रेख भी ये संभालते हैं। जागरण हो या कोई भी यहाँ पे छोटा मोटा काम हो तो इनकी पूरी जो टीम है, क्योंकि अकेले तो कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, इनकी पूरी टीम है जो यहाँ की यहीं के पार्डर की है, तो इनसे जानते हैं कि किस तरह की टीम है और क्या क्या काम कर सकते हैं। दलजीत भाई, लोगों को क्या बताना चाहोगे, किस तरह का ये मंदिर है, यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी किस तरह से मनोकामना पूर्ण होती है, क्या कहेंगे? ये मंदिर जो है 200 साल पुराने की बात है, जहाँ से आपने सुना होगा आपके माध्यम से जनरल जोरावर कर्नल यादव जैसे भगतों को यहाँ पे मतलब आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपको जानते जब गिलगित को फतेह किया था तो जनरल जोरावर ने यहाँ मत्था टेका था, तो कर्नल यादव ने यहाँ से चाइना को मात दिलाई थी इसी की कृपा से। उसके बाद हमारे पूजनीय गुरु ठाकुर जी जिनको यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जहाँ माता के माध्यम से माता के आशीर्वाद से सबको बड़ा यहाँ से इसने आशीर्वाद दिया है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सारे भक्तों को, सारे माता के भक्तों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस बार इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके आओ और माता के दर्शन करो और अपनी मंगिया मुरादा पाओ। ये यात्रा कब से शुरू होने जा रही है? यात्रा जो ऑफिशियली यात्रा है वो 25 जुलाई से होगी, जिसमें हेलीकॉप्टर सर्विस भी होगी। लंगर जो है वहाँ क्या कहते हैं जम्मू से लेकर वहाँ तक आपको ये सुविधा प्राप्त है। रहने के लिए भी टेंट होंगे लोगों के घर में, सब हमारे मचेल वासी जो हैं वो सभी कॉपरेट करते हैं और माता के भक्तों को अपने घर में बिठाते हैं। तो चलो जो जैनमैन है वो तो होता ही है, क्या करेंगे। तो मैं सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सारे आओ, माता के दर्शन करो और माँ के मुराद। चंडी रूप में यहाँ पर जो विराजमान है माता, सुना है? हाँ जी हाँ जी, ये सभी मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि चंडी माता है कौन, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहले नंबर पे माता सरस्वती बीच में महालक्ष्मी और तीसरे नंबर पे वो काली माता है, क्योंकि वो काली माता जंस्कार वालों ने चढ़ाई थी जब एक बार 1820 में महामारी हुई थी। उस टाइम उन लोगों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके माता के ये मूर्ति बनाने का माता का आदेश हुआ था, तो उस टाइम सभी भक्तों के दुख को दूर किया था। तो ये जो चौथे नंबर पे जो पिंडी रूप में है वो चंडी माता स्वयं प्रकट हुई है, तब से यहाँ ज़्यादा माता की महिमा जो फैली हुई, यहाँ दूर दूर से देश प्रदेश से यात्री आते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसे कोई भगत यहाँ से खाली गए जिसकी माँ ने मुरादें पूरी नहीं की। यहाँ के जो लोग हैं, जो खासकर पाडर के लोग हैं, कहते हैं कि ये लोग जो है इस माता को जो है कुल देवी के नाम पे जानते हैं। हाँ बिल्कुल, अनाज यहाँ पे चढ़ाया जाता है। हमारी जो कुल देवी है ये जब से हमारे बड़े परिवारों से जो लोग यहाँ से चलते आ रहे हैं, कोई चीज तैयार होती है, फसल होती है तो माता को चढ़ाते हैं। कोई अगर घी बनता है, मक्खन बनती है तो सबसे पहले माता को चढ़ाते हैं, हम इसके बिना कुछ खाते ही नहीं। यहाँ पे जो आपकी टीम है, आपकी टीम किस तरह से यहाँ पे काम करती है, क्योंकि जागरण भी यहाँ पे होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जो नौजवान साथी हैं इन सबका कॉपरेट है, वो ये हर साल कॉपरेट करते हैं तभी तो ये सिस्टम चलता है। इनके इन सबको इंटरेस्टेड है क्योंकि कुलदेवी है, तो हमें अपनी इज्जत का भी ख्याल है कि माता रानी के भक्तों को कोई आँच ना आए। कोई लोगों से अपील, कोई खास मैसेज देना चाहें? बस भक्तों को यही इस बार मैसेज देना चाहूँगा कि इस बार माता की कृपा से यहाँ शायद 16 प्लांट लग जाएगा यात्रा से पहले, तो हमारी एक कोशिश बहुत सालों से लगी है, इस बार हमारी उम्मीद है कि रोड जो है चशोती तक आ जाए। ये बड़ी माता रानी से भी प्रार्थना है, क्योंकि बार बार मशीनें खराब हो रही है, टूट रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसमें भी इसी कुछ ना कुछ माता के उसके बिना तो कुछ होता नहीं है। उसके अलावा इस बार जियो टावर भी आया, मुझे लगता है कि यात्रा तक हमें हेलो कराए, तो बहुत सारी सुविधा जो है इस बार मिलने जा रही है मचेल माता के भक्तों को। आज से पहले की बात करें तो यहाँ पे काफी सुविधाएं की कमी थी, बड़ी कमी थी, हमें मोबाइल नहीं चलता था। सबसे पहले तो हमारी सुविधा जो है रोड की, अगर रोड आए तो सब कुछ हो जाएगा। रोड अगर यहाँ पे आ जाती तो फिर हमें सब कुछ मटेरियल यहाँ मिले, यहाँ कार्य करना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि यहाँ पे कार्य नहीं होता ऐसे जब तक रोड ना आए। रोड आ जाती तो फिर हमारा हम तो यहाँ चार चांद लग जाएंगे। तो यहाँ पे मनोज सिन्हा जी हैं, एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, जी जी, उनसे कोई अपील करोगे? उन तक भी हमारी बात गई है, उनको भी अपील की है कि यहाँ पे मचेल माता का थोड़ा ध्यान, और इस बार हम चाहेंगे, हमें चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार गवर्नर साहब को हम यात्रा तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप ही आओ, यहाँ देखो, माता का दर्शन करो और यहाँ की जो पेशियाँ वो दूर करेंगे। बिल्कुल, तो हम भी एलजी मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल है, एलजी मनोज सिन्हा जी से हम अपील करते हैं कि आप हेलीकॉप्टर से यहाँ पे भी आएँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है, तो मचेल माता के दरबार में आप ज़रूर आएँ और इस माता के दरबार में माथा टेकें और जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए और पूरे देश की खुशहाली के लिए ज़रूर माँ के दरबार में आप हाज़िरी जो है वो लगाएँ। दलजीत जी की आवाज़ जो है हम बन रहे हैं और हम एलजी साहब से ये एक प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ज़रूर इस बार मचेल यात्रा में यहाँ पे आएँ और जो यहाँ पे रोड का काम या बाकी यहाँ पे काम जो रुके हुए हैं उस काम को भी जल्द से जल्द यहाँ पे पूरा किया जाए। दलजीत जी कुछ और बाकी है, डिवीजन कमिश्नर साहब बैसाखी में आए थे पहली बार और इन्हीं ने यहाँ पे आकर बैसाखी फेस्टिवल भी करवाया इस बार, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि डिवीजन कमिश्नर साहब इस बार इस यात्रा को कुछ नया विराम देंगे और इसमें नई चीज़ लाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिलाया कि इस बार आपका सोलर प्लांट लगेगा और क्या कहते हैं जियो टावर का भी किया है और साथ में रोड को चशोती तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है, तो हम उसी उम्मीद पर टिके हैं। इस बार फिर मुझे लगता है कि मचेल यात्रा स्टार्ट होने से पहले फिर एक बार वो यहाँ आएंगे। डीसी साहब भी उनके साथ जो है काफ़ी इंटरेस्टेड है जो माता के भक्तों के लिए। बिल्कुल, ये सुना कि यहाँ पर जो चेले जो चौकी करते हैं, तो जब यहाँ महामारी हुई थी तो उस चौकी में ये कहा गया था कि जो यहाँ का मुखिया है देश का यानी प्रधानमंत्री जी, वो यहाँ पे आए और छत्र चढ़ाए तो ये कई महामारियाँ इस तरह की दूर हो जाएंगी। मैं आपको बताने चाहूँगा, इस भगवती ने अगर 1820 में कोरोना महामारी को हटाया था तो ये माता का आदेश हुआ था। नरेंद्र मोदी भाई अगर वो एक बार यहाँ पे आएंगे, छत्र यहाँ पे चढ़ाते हैं तो पूरे देश का भला हो जाएगा। उनकी माता का आदेश है कि मेरे जो हर्ट्स हैं यहाँ पे आए और मैं माता के भक्तों के दुख दूर करूँगी। तो मुझे लगता है कि हम भी विनम्र प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैं अपने गवर्नर साहब को भी बोलूँगा और बाकी जो हमारे संतरी मंत्री हैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे एक बार मचेल माता के दरबार में लाएंगे और एक बार वो यहाँ आएंगे, मत्था टेकेंगे, छत्र चढ़ाएंगे तो देश की सभी जो विपता है वो दूर हो सकती है। बिल्कुल, तो ये चंडी रानी है और चंडी रानी के दरबार में सबको आना चाहिए। हम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और बाकी उपराज्यपाल जी से भी ये प्रार्थना करेंगे कि वो यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ पर माथा टेकें। और उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ के पार्डर के काम जो रुके हुए हैं, जैसे यहाँ पर रोड नहीं है या और सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, लाइट नहीं होती यहाँ पर, तो इस तरह की जो और सुविधा भी हैं उनको भी यहाँ पर जल्द जो है वो पूरा किया जाए और इन लोगों की जो मांग है कम से कम पूरी हो, ताकि जो यात्री यहाँ पर आते हैं उन्हें कोई भी यहाँ पर कष्ट ना हो। और ये आप एक बार देखें, एक बार फिर मैं आपको दिखा दूँ, ये महामाई का मंदिर है, यहाँ पर चंडी रूप में विराजमान माँ है और माँ यहाँ पे कंगन हिलाकर यहाँ पर जो मूर्ति है वो खोल के बंद करके यहाँ पर दर्शन जो है वो देती है। और हमारी भी प्रार्थना है कि आप जरूर यहाँ पर आए, आपको इस मंदिर के पूरे बारे में जो है दलजीत सिंह ठाकुर जो है यहाँ के पार्टर के रहने वाले उन्होंने बताया है, उन्होंने बताया कि जो बाकी जो यहाँ पर नहीं आ रहे लोग वो भी यहाँ पर आए और माँ माई के दरबार में माथा टेके ताकि माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ में अमित शर्मा, पार्डर, मचेल गाँव।